हेलो दुनिया वालों, कैसे हैं? किम छो नाउ व्हाई यू वेलकम टू माय चैनल अक्षय वाल गुड। आई होप आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो फैमिली, जैसे जैसे फिटनेस इवॉल्व हो रहा है, वैसे वैसे फीमेल्स का भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जा रहा है, और विद द टाइम फीमेल भी अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट और नेसेसरी स्टेप्स उठा रही है, जिसे देखकर काफी अच्छा लगता है। पर इसके साथ उन्हें काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, फिर वो चाहे मोटिवेशन का चैलेंज हो, फिर वो चाहे कंसिस्टेंसी का चैलेंज हो, फिर वो चाहे डिसिप्लिन का चैलेंज हो। पर इसके अलावा एक और चैलेंज जो उन्हें फेस करना पड़ता है, वो है हार्मोनल चैलेंज। तो फैमिली, मैं एक फिटनेस फ्रीलांसर भी हूँ, तो मैं काफी क्लाइंट्स के साथ वर्क भी कर चुका हूँ। तो मेरे काफी फीमेल क्लाइंट्स भी है, और मेरे काफी फीमेल फ्रेंड्स भी है जो रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं। उन्हें काफी बार एक सवाल आता है कि क्या हम पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो भी बनाया जाए, ताकि जो ऐसे फिटनेस एंथुसियास्टिक फीमेल्स हैं जिन्हें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उन्हें काफी क्लैरिटी भी मिलेगी और एक साइंटिफिक लेवल पर अवेयरनेस भी मिलेगा। तो बस इस सवाल का जवाब जानने के लिए और इसके पीछे का साइंस जानने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो फैमिली, पहले हम जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिक्स, ताकि हम रियलाइज कर सके इसके पीछे का साइंस। और एस्पेशली ये मर्दों के लिए रियलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जानते नहीं कि व्हाट अ फीमेल गोस थ्रू ड्यूरिंग दिस फेज। तो कैसा है कि अगर उन्हें ये रियलाइजेशन हो या फिर ये अवेयरनेस हो मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वो अपनी माँ या फिर अपनी बहन या फिर अपनी गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी फीमेल फ्रेंड हो, उन्हें पीरियड्स के टाइम पे फिटनेस के लिए मोटिवेट कर सके और बूस्ट अप कर सके। तो एक वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के चार अलग अलग फेजेस होते हैं, जिसमें होता है मेंस्ट्रुअल फेज, फिर होता है फॉलिकुलर फेज, फिर होता है ओव्यूलेशन फेज, और लास्ट में होता है ल्यूटल फेज। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें वुमेन पीरियड्स में आते हैं, और यहाँ पर उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल ड्रॉप होता है, और इसका पीरियड होता है या फिर इसका स्पैन होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 days, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फीमेल डिफर करता है। और कनेक्टिंगली मेंस्ट्रुअल फेज के साथ साथ फॉलिकल फेज भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि day 1 से स्टार्ट होता है, और ये चलता है ओव्यूलेशन फेज के स्टार्टिंग तक, जिसका स्पैन है 16 days। तो इस फॉलिकल फेज के दौरान एक फीमेल अपने हार्मोनल ग्लैंड से फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स को भी रिलीज करती है। फिर आता है ओव्यूलेशन फेज, जहाँ पर फीमेल अपने ओवरी ग्लैंड से एग्स को रिलीज करती है, और ये फेज प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी इफेक्टिव फेज माना जाता है। तो यहाँ पर एक फीमेल अपने ओवरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, जो उनके एस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और एज अ फीमेल, अगर आपको जानना हो कि आप ओव्यूलेट कर रहे हो या नहीं, तो आपके साइकिल के 14th day पे आपको थोड़े अपने बॉडी टेम्परेचर में स्लाइट राइज नजर आएगा, या फिर आपका बॉडी टेम्परेचर स्लाइट राइज हो जाएगा, जिसे आप समझ सकते हो कि आप ओव्यूलेशन कर रहे हो या फिर ओव्यूलेटिंग फेज में आ गए हो। और फाइनली आता है ल्यूटल फेज, जिसमें फीमेल के हॉर्मोन्स, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, उनके लेवल स्लाइटली बढ़ जाते हैं और फिर से ड्रॉप हो जाते हैं, और फीमेल के नए मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होता है, और ये स्पैन होता है 11 to 17 days का। तो फीमेल के पीरियड्स के टाइम पे उन्हें उनकी बॉडी थोड़ी हैवियर लगती है और ब्लोटेड भी लगती है, और उन्हें हेडेक भी होता है, उन्हें काफ़ी भूख भी लगती है, और वो सुनहरे मूड स्विंग्स भी होते हैं। अब जिनके जिनके पार्टनर्स हैं, वो तो अच्छे से जानते ही होंगे कि मूड स्विंग्स कैसे होते हैं। तो इस पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानने के बाद जो बड़ा सवाल आता है कि क्या फीमेल्स पीरियड्स के टाइम पे वर्कआउट कर सकती है या नहीं, तो इसका जवाब है यस। बिंदास वर्कआउट कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई मचमच नहीं, कोई वांदा नहीं, जस्ट वर्कआउट को एंजॉय करो, क्योंकि ये सेफ होने के साथ साथ इसके अलग से हेल्थ बेनिफिट्स भी है और हेल्थ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि ये PMS सिम्टम्स को भी कम करता है। अब PMS है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो पीरियड्स के टाइम पे एक फीमेल को हायर लेवल पे थकावट महसूस होती है और मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो ये उसको भी डिक्रीज करता है। और फिर एक्सरसाइज करने से फीमेल्स का एंडोर्फिन हार्मोन भी बढ़ जाता है, जिससे उनका मूड काफ़ी पॉजिटिव होता है। फिर उनका इरिटेशन हो, हेडेक हो, या फिर क्रैम्प्स हो, या इवन बैकएक हो, उसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी कंट्रोल में भी आ जाता है। और पीरियड्स के दौरान फीमेल्स ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर भी एक्सपीरियंस कर सकती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशियल फेज, जो कि 1st 2 weeks के दौरान,
उनका हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका लेवल कम हो जाता है, तो उससे वो ज़्यादा पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करती है जो वो एक्सरसाइज में यूटिलाइज कर सकती है। तो फैमिली बॉटम लाइन बस इतना ही कहूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज हमेशा हमारी माइंड और बॉडी के लिए अच्छे ही होते हैं, और ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है जो बता सके कि फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पर वर्कआउट नहीं करना चाहिए। रादर साइंटिफिक लेवल पर मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि कितने इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए कि आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ना करें और अपनी बॉडी को ज़्यादा ना थकाएं, क्योंकि फिर हैवी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं और फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी काबिलियत और कैपेबिलिटी के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही वर्कआउट करें। तो फैमिली अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इसे इतना शेयर कीजिए कि जो जो फीमेल्स को ये क्वेश्चन आते हैं या फिर ऐसा डाउट आता है उन्हें क्लैरिटी मिल सके। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और मेरे अपकमिंग कंटेंट के लिए और मेरे फ्यूचर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेन के लिए एक विशेष टिप्पणी है, थोड़ा अपने आसपास की फीमेल्स को या फिर अपनी पार्टनर को जिन्हें पीरियड्स आते हैं तभी उनको थोड़ा समझ लीजिए यारा, उन्हें ठंडी ठंडी लस्सी पा दीजिए यारा, उन्होंने थोड़ा मूड स्विंग्स आनू अच्छा लगेगा और थोड़े भी आसपास फिर शांति भी बह जाएगी और खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएंगी।